दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू घर रहो बुक पढ़ो का एक और एडिशन। तो क्वारंटीन का सीजन तो चालू हो गया आप जानते हैं, और लास्ट टाइम मैंने आपको एक बुक रेकमेंड किया था 1984 करके, आपके लिए आज एक और बुक लेके आया हूँ जो है नॉन फिक्शन कैटेगरी का और जो अभी के करंट सिनेरियो के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये आपको बताता है कि कोविड जब शुरू हुआ एक बैट के वजह से वो क्यों हुआ एग्जैक्ट। तो ये एक चेन रिएक्शन ऐसा आपको डिड्यूस करने मिलेगा जब आप ये बुक पढ़ोगे। इस बुक का नाम है टूम स्टोन। ये फुली नॉन फिक्शन है, इसमें जो भी हुआ था वो बस एक हिस्टोरिक अकाउंट है कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या हुआ था। ये बुक लिखी गई है यांग जीशेंग नाम के एक जर्नलिस्ट ने। वो एक चाइनीज जर्नलिस्ट थे जो चाइना के गवर्नमेंट रन चैनल के लिए काम करते थे। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी 1958 से लेकर 1962 के बारे में। तो ये बुक एग्जैक्टली क्या बताती है, इन 5 सालों के टाइम पे चाइना में एक बहुत बड़ा फैमिन आया था, मतलब एक ऐसा पीरियड आ गया था जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और ये सब हुआ था उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के वजह से उस टाइम पे। तो आप लोग ये जानते होंगे कि उस टाइम पे चाइना के लीडर माओ ज़ेडोंग थे, और जो एक बहुत ही एक बोलते हैं ना ऐसा स्ट्रिंजेंट कम्युनिस्ट थे, और जिनको प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको उसमें थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी, उनको फ्री मार्केट से नफरत थी। तो उन्होंने एक पॉलिसी एक डिज़ाइन की थी जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और जहाँ पे सब कुछ कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड था, लोगों को खाली इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। तो ये एक ऐसा पीरियड आ गया था जहाँ पे हर एक साल गवर्नमेंट एक कोटा देती थी लोगों को कि आपको इस साल में एक घर को इतने सारे किलो स्टील या इतने सारे किलो राइस ऐसे प्रोड्यूस करना है। तो उसके बाद जो पूरी चाइना थी वो कॉम्यून्स में डिवाइड हो गई थी, और हर एक कॉम्यून के अपने कोटे होते थे। तो अब हर एक कॉम्यून का जो लीडर था उसको माओ ज़ेडोंग को इम्प्रेस करना था, तो वो अपने लोगों को बड़े कोटे देते थे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खाली इतना ही चावल क्रिएट हो सकता है, या फिर खाली इतना ही इरिगेशन प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, या फिर खाली इतना ही स्टील क्रिएट हो सकता है। पर ये उन्हें नहीं पता था, उन्हें बस माओ ज़ेडोंग को इम्प्रेस करना था, क्योंकि वो तो थे डिक्टेटर। तो इसके लिए वो बहुत बड़े कोटे देते थे। फॉर एग्जाम्पल, इस घर को अभी इस महीने में 100 किलो चावल का बनाना है, पर उनका सिर्फ 60 किलो होता था। तो अब क्या करते थे, सोल्जर्स सब ले जाते थे, तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो चाइना के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 15 मिलियन लोग मारे गए थे इन 5 सालों में। जब पहले 2 साल में भी इतने लोग मारे गए, माओ ज़ेडोंग ने फिर भी वो पॉलिसी कंटिन्यू की, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब सिर्फ उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमको उन लोगों को पहले मिटाना होगा। ये जस्टिफिकेशन देके उन्होंने और भी 3 साल वो पॉलिसी कंटिन्यू की। तो चाइना के लोग कहते हैं, मतलब चाइना के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 15 मिलियन लोग मारे गए, पर बहुत से हिस्टोरियंस हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये नंबर 25 से 45 मिलियन के बीच में था, वेरस थोड़े और भी सोर्सेस जो बोलते हैं डेफिनेटली 45 मिलियन से भी बहुत ज्यादा था। एंड आपको एक कंटेक्स्ट देता हूँ, हिटलर ने सिर्फ 6 मिलियन जूस मारे थे, 6 मिलियन और 45 मिलियन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 6 मिलियन कम अमाउंट है, बट 45 मिलियन लोग मरे थे गवर्नमेंट के पॉलिसी के वजह से। तो ये था सिनेरियो चाइना में, और ये बुक पब्लिश हुई थी हांगकांग में, यांग जीशेंग ने पब्लिश की, जो थे चाइना के जर्नलिस्ट। वो क्यों, क्योंकि इसका पब्लिशिंग राइट चाइना में मिला ही नहीं उनको, उनको पता था नहीं मिलेगा, तो इसके लिए वो गए हांगकांग। आज तक ये बुक चाइना में बैंड है, ये बहुत बड़ी बुक है। अब मैं जानता नहीं हूँ आपको कितना पेशेंस होगा पढ़ने का, ऑलमोस्ट 600 से 700 पेज की बुक है, इसके 23 ट्रांसलेशंस भी निकले, क्योंकि उनको बस ये बताना था कि ये सिस्टम जो चलता नहीं है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं, उनको बस ये प्रूव करना था कि ये एक अच्छी आइडिया नहीं है किसके लिए भी, और एक हिस्टोरिक अकॉर्ड है उसके लिए, एक हिस्टोरिक एविडेंस है कि ये नहीं काम करता, और इसके लिए उन्होंने इसको पब्लिश किया, उन्होंने ट्रांसलेट करवाया, और फिर आज हम ये बुक को देखते हैं उनके नज़रों से। और यांग जीशेंग ने ये बुक क्यों लिखा उसकी बात करते हैं। तो फैमिन के टाइम पे इनके जो पिताजी थे वो भी एक फार्मर थे, और उनको स्टार्वेशन की वजह से मरना पड़ा, और ये एक ऐसा बुक है जो बहुत ही ग्राफिक भी है, ये वो सारी हार्डशिप्स बताता है जो उस टाइम पे हुई थी। ये भी रिटन रिकॉर्ड्स है, चाइनीज गवर्नमेंट ने पब्लिश किए कि उस टाइम पे ऐसे भी केसेस हुए थे जहाँ पे लोग कैनिबलिज्म कर रहे थे, यानी एक दूसरे को खा रहे थे। ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे पेरेंट्स ने अपने खुद के बच्चों को खाया था, और ये एक रियल अकाउंट है कि क्या हो सकता है जब एक सुप्रीम पावर जिसके हाथ में इतना सारा पावर हो दे दिया होता है, वो एक गलत डिसीजन लेती है जहाँ पे इतने करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। और अब करें बात कोरोना वायरस की। तो जब ये सारा कैनिबलिज्म हो रहा था, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ना चावल था, ना रोटी थी, ना कुछ था, तब लोग अपने पेट्स को खाने लगे। जब वो भी नहीं हुआ तो दूसरे जो मैमल्स पकड़ते थे जैसे रैबिट्स, रैट्स, उसको खाने लगे, और फिर जब वो भी कम हो गए तब अपने बच्चों को खाने लगे। तो एक 6 से 9 साल
आफ्टर द होल फैमिन एक पीरियड था जब चाइना को वापस अपनी पूरी इकोनॉमी ठीक करनी थी, वापस लोगों को खाना देना था, और उस पीरियड में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे कुछ खाने के, और तभी लोग ये सारी चीज़ें खाने लग गए, जैसे कि बैट्स हो जाए, स्क्विरल्स, रैबिट्स, और फिर उस 6 से 9 सालों के बीच वो एक ट्रेडिशन बन गया और वो चलता आया, और उसके बाद से आज तक एनिमल ट्रेड एंड कोई भी एनिमल को खाने की प्रथा वहाँ पे होती है। ये ट्रेडिशन नहीं है, ये मजबूरी थी जो शुरू हुई इसके वजह से। हाँ, उसमें थोड़े ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी थे जिसके बारे में मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट जो मेन कॉज था इन सारी चीज़ों को खाने की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के पॉलिसीज की वजह से हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक डोमिनो इफेक्ट था जो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ और आज तक फिर लोग वहाँ पे यही बैट वैट खाने लग गए थे। तो मैं आशा करता हूँ आप ये बुक पढ़ें और देखें कि चाइना में इतनी बुरी चीज़ें कैसे हुई थी और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसकी ना एक आवाज़ की, ना कभी उसके ऊपर एक पब्लिक अपॉलोजी दी, और वो बुक आज तक चाइना में बैंड है। वो अभी भी नहीं चाहते कि लोग उसके बारे में जाने। और जर्नलिस्ट यांग जीशेंग ने ये भी कहा है कि ऐसा भी होता था जब वो रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने जाते थे और जब लोग देखते थे ये कौन से रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं, वो बोलते थे ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। तो उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टिगेटिव वर्क भी उनको करना पड़ा था, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट तैयार ही नहीं थी मानने के लिए कि हमसे गलती हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप घर के बाहर ना निकले, ये बुक पढ़े, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रियलाइज करे कि ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई थी। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, घर पे रहो प्लीज़, घर पे रहो, घर रहो, बुक पढ़ो, और बस मत निकलो यार घर के बाहर, मैं आगे क्या बोलूँ अभी, और अपने आप को कोविड से बचाओ। थैंक यू, धन्यवाद।